जय श्री कृष्ण। आप देख रहे हैं दिव्य शंखनाद। मैं भाविका जोशी आप सभी का स्वागत करती हूँ। यह प्रभु श्रीनाथ जी के मंदिर स्थित नकारखाना द्वार के आज के दृश्य हैं। रामनवमी है, दो राजभोग के दर्शन खुलते हैं, लेकिन कोरोना का प्रभाव देखिए। संदर्भ यह है कि प्रभु श्री जी के द्वार पर भी कोरोना का प्रभाव स्पष्ट दिखाई दे रहा है, क्योंकि श्री जी मंदिर के बाहर नाथद्वारा नगर में कर्फ्यू लगा हुआ है और यह 3 मई तक जारी रहने वाला है। इन दृश्यों का एक संदर्भ और भी है कि हम निरंतर प्रभु श्री जी के श्री चरणों में आप सभी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं कि प्रभु सभी को स्वस्थ रखने की कृपा करें, लेकिन प्रयास हमें भी निरंतर करते रहना है, कोरोना की गाइडलाइन का पूर्णतः पालन करना है। नाथद्वारा में जन अनुशासन पखवाड़े के दृश्यों का अवलोकन करते रहिए। हम एक विशेष वीडियो प्रस्तुत कर रहे हैं, जिसके अनुसार आपका यदि ऑक्सीजन लेवल 94 अर्थात 94 से कम हो गया है तो बताई गई प्रक्रिया को करें तो यह लेवल 1 मिनट में वापस सही लेवल पर आ सकता है, 9800 तक भी जा सकता है, जिसके लिए केवल आपको पेट के बल लेटना है, 2 तकियों की आवश्यकता है और गहरी सांसें लेनी है। प्रभु ना करे ऐसी स्थिति आपके समक्ष आए, लेकिन आए तो गौर से देखिए, समझिए और आवश्यकता पड़ने पर पालन कीजिए। It moved from 93-94 level to 99 in just about 1 minute pranal deep breathing. This is the power of pranal breathing. It is very simple technique, pranal breathing. Have 2 pillows, one for the chest, another one for the legs. Just lie down in the pranal posture comfortably and start deep breathing. It's also called ventilator breathing. It increases the oxygen saturation level, SpO2 level. Pranal posture, just deep breathing and enjoy. Thank you. आइए प्रभु श्रीनाथ जी के दर्शन कर लेते हैं। श्री गिरिराज शरण की जय।
मदन गोपाल राम हमारे धनुष बाण विमल रेणु। चैत्र शुक्ल दशमी गुरुवार 22 अप्रैल 2021 को प्रभु श्री जी को रामनवमी के प्रचार की श्रृंगार धराए जाते हैं। यह हम भली भांति जानते हैं कि श्री जी में अधिकांश बड़े उत्सवों के एक दिन पश्चात प्रचार की श्रृंगार धराए जाते हैं। यदि उपस्थित हों तो प्रचार की श्रृंगार के श्रृंगारी श्री जी के प्रचारक महाराज श्री विशाल बाबा होते हैं। आज दिन में दो समय की आरती थाली वाली की जाती है। गेंद, चौगान, दिवाला आदि सोने के आते हैं। प्रचार की श्रृंगार के तहत साज सज्जा में श्री जी में आज संपूर्ण रामलीला के चित्रांकन की पिछवाई धराई जाती है। यही पिछवाई श्री जी में विजयादशमी के एक दिन पूर्व महानवमी के दिन भी धराई जाती है। अन्य साज में गादी, तकिया एवं चरण चौकी पधराए जाते हैं। उनके ऊपर सफेद बिछावट की जाती है। श्री जी के सन्मुख दो पड़घा जी भी पधराए जाते हैं, जिनमें से एक के ऊपर बंटा जी व दूसरे के ऊपर झारी जी पधराई जाती हैं। सन्मुख में धरती पर त्रष्टि धरी जाती है। श्री जी के वस्त्रों के दर्शन करें तो कल की भांति ही आज भी धराए जाते हैं केसरी जामदानी के वस्त्र, जिनमें सूथन, खुले बंद के चाकदार वागा एवं चोली धराए जाते हैं। पिटिका पर ठाड़े वस्त्र श्वेत जामदानी के ही धराए जाते हैं। एक परिवर्तन होता है, आज प्रभु को पटका नहीं धराया जाता है। श्री जी के श्रृंगार आभरण के दर्शन करें तो प्रभु को आज भी वनमाला का चरणार विंतक का भारी श्रृंगार धराया जाता है। सभी आभरण हीरा की प्रधानता वाले ही धराए जाते हैं। नीचे पदक, ऊपर माला, दुलड़ा व हार उत्सववत धराए जाते हैं। प्रभु के श्रीमस्तक पर केसरी जामदानी के कूल्हे धराए जाते हैं, जिनके ऊपर सिर पेच, पांच मोर पंख की चंद्रिका की जोड़ एवं बाईं ओर हीरा एवं माणक के शीशफूल धराए जाते हैं। प्रभु के श्रीकर्ण में उत्सव के मकराकृति कुंडल ही धराए जाते हैं। साथ में उत्सव की हीरा की चोटी जी भी धराई ही जाती है। श्रीकंठ में कली कस्तूरी आदि की माला जी धराई जाती हैं, तो फूल घर से सिद्ध होकर आने वाली चैत्री गुलाब के पुष्पों की सुंदर माला जी भी धराई जाती है। साथ में गुंजा माला तो धराई ही जाती है। प्रभु के श्रीहस्त में पुष्प छड़ी, हीरा के वेणु जी एवं कटी पर वैत्र जी धराए जाते हैं। आज विशेष रूप से पिठिका पर पुष्पों का चौखटा धराया जाता है। प्रभु के श्रीचरणों के दर्शन करें तो पेंजनिया, नूपुर व बिच्छियाँ मिलवा धराई जाती हैं। प्रभु को खेल के साज के तहत आज पट उत्सव का एवं गोटी जड़ाऊ पधराई जाती है। श्री जी को आरसी श्रृंगार में चार झाड़ की व राजभोग में सोने की डंडी की दिखाई जाती है। राग सेवा में आज मंगला में सुन सुत एक कथा, राजभोग में बल बल आज की बान की लाल, आरती में राखी को अलग बीच बीच, शयन में ए मोपे आज की बानक, पोढ़ुए के पदों में राय गिरधरन संग राधिका रानी, कीर्तनों का प्रभु के सन्मुख गायन किया जाता है। श्री जी सेवा का अन्य सभी क्रम नित्य अनुसार ही रहता है। मंगला, राजभोग, आरती एवं शयन दर्शन में प्रभु की आरती उतारी जाती है, तो मंगल भोग, ग्वाल भोग, राजभोग, शयन भोग आदि भोगों में प्रभु को विविध सामग्रियों का भोग अरोगाया जाता है। जय श्री कृष्ण। अब पुष्टि सृष्टि से दर्शन करते हैं। आज के भाव कीर्तन राग सारंग और ताल धमार में है, जो रामनवमी के अवसर पर गाए जाते हैं। आइए पुष्टि सृष्टि के कुछ विशिष्ट स्थलों से रामनवमी के दर्शन करते हैं। मदन गोपाल राम
पनी भुजा जीने जल निधि बाहो अपनी भुजा जीने जल निधि बाहो रास रचो जीने कोटिक का रास रचो जीने कोटिक काम दस सिर हत जिन असुर संहाजे दस सिर हत जिन असुर संहाजे गोवर धन धार्यो कर रघुवर यह यदुवर मोहन वे रघुवर यह यदुवर मोहन लीला ललित विमल बहुना परमानंद प्रभु भेद रहित घरी संतन मिल गावत गुण ग्राम संतन मिल गावत गुण ग्राम मदन गोपाल राम हमार मदन गोपाल राम हमार मदन गोपाल मदन गोपाल राम हमार रघुकुल में प्रगटे रघुवीर रघुकुल में प्रगटे Yeah.
Thank you.
नजर डालते हैं नाथ द्वारा एवं राजसमंद में हुए कुछ घटनाक्रमों पर। यह नाथ द्वारा के बाजारों के हाल हैं। जो लोग बिना जरूरी काम के घर से निकल रहे हैं और कोरोना की गाइडलाइन का पालन नहीं कर रहे हैं, पुलिस उनके चालान बना रही है, समझा रही है, सख्ती भी कर रही है।
संदर्भ यह है कि कोरोना का संक्रमण नाथद्वारा सहित राजसमंद जिले में नित नए रिकॉर्ड बना रहा है। आज भी चिकित्सा विभाग द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार 273 संक्रमित मामले पाए गए हैं। कल यह संख्या 251 थी। दोस्तों, मामला गंभीर है, समझाने की जरूरत नहीं है। स्वयं ही अपनी एवं अपने परिवार की रक्षा करनी है, स्वास्थ्य को बचाए रखना है। कोरोना की गाइडलाइन का कठोरता से पालन बहुत आवश्यक है। और जो दृश्य आप देख रहे हैं वह भूमिगत केबल योजना के नए क्षेत्र में प्रारंभ हुए कार्य के हैं, समय का सदुपयोग कह सकते हैं। यह तो सब चलता रहेगा, लेकिन अब होशियारी दिखाने का समय नहीं है। स्थिति दिन ब दिन गंभीर हो रही है और उसी को रोकने के लिए मिनी लॉकडाउन अथवा जन अनुशासन पखवाड़ा सरकार ने घोषित किया है। आप सभी सावधान रहें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, प्रभु से यही प्रार्थना है। आज के लिए बस इतना ही। अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में बताइए और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। दिव्य शंखनाद के लिए कृष्ण कन्हैया सनाड्य के साथ कैलाश पालीवाल, कुलदीप शर्मा, राजू भाई सनाड्य, कमलेश पालीवाल, अनिरुद्ध देवपुरा, जतिन सनाड्य और कांकरोली से गौरव पालीवाल की प्रस्तुति। कीर्तन श्री गिरधर गोपाल जी मापावाला काका साय एवं रवि गोपाल जी मापावाला कीर्तन समाज नागपुर से साभार। पुष्टि सृष्टि के दर्शन भेजने वाले सभी वैष्णवों का विशेष आभार। जय श्री कृष्ण।